नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामल कुमार राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं कि ये पंचिंग बैग में आप कैसे अटैक करेंगे, कैसे आपको मारना चाहिए, कैसे आपको नहीं मारना चाहिए। हम अगर छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं उसके कारण से आपका हाथ छिल भी जाता है, चोट लग जाता है, आपके रेस्ट में चोट लग सकता है, ठीक है। आप अगर किक करते हैं तो आपको ज्वाइंट में चोट लग सकता है, आपके हिप में चोट लग सकता है। तो इस सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए आपको पूरी बारीकी से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। तो वीडियो में एकदम बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरा यहां से यहां तक देखिएगा। अगर पूरा नहीं देखिएगा तो आप बहुत कुछ मिस कर जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आता है कि हमको मारना कहाँ है। बहुत सारे लोग जब नए नए जो लोग आते हैं वो लोग क्या करते हैं, पंचिंग बैग में फर्स्ट स्टार्टिंग में ही यहीं पर मारना स्टार्ट करते हैं, नीचे पार्ट में। आपको मारना ये इसको दो पार्ट कर देना है, ठीक है। आपको इसको दो पार्ट कर देना है, ये यहां से इसके नीचे। आपको जब अगर नए हैं आप तो उसके लिए आप जब आप अगर नए हैं तो आपको यहां से इसके नीचे आपको नहीं मारना है नए वाले को। जब अगर आप थोड़ा सा कुछ दिन पहले नए नए स्टार्टिंग में किए स्टार्ट किए तो आपको टारगेट ये रखना है कि यहां से ऊपर की तरफ मारना है। क्यों, जब आप नीचे मारते हैं इसका वेट पूरा जो है वो नीचे की तरफ वेट पूरा है, तो इस कारण से नीचे का जो पार्ट है वो ज्यादा हार्ड होता है, ऊपर का पार्ट थोड़ा कम हार्ड होता है। आप आराम से मारते हैं जिसमें आपको चोट लगने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप तरीके से अगर अटैक नहीं किए, हिट नहीं किए तो आपको चोट लग ही सकता है। ये नहीं कि आप यहां पर मारे उल्टा पुल्टा मार दिए, गलत तरीके से मार दिए, आपको चोट नहीं लगेगा, ऐसा बोलना बेवकूफी होगा। आपको टारगेट ये रखना है, दो बैग का दो पार्ट करना है। ऊपर वाला पार्ट में पहले स्टार्टिंग में आपको मारना है, जितना ऊपर मारिएगा आपको चोट लगने के चांसेस कम रहेंगे। अब सवाल आता है कि लोग इसमें सवाल करेंगे कि सर हम जब नीचे नहीं मारेंगे तो स्ट्रांग कैसे बनेंगे। एकदम, लेकिन पंचिंग बैग में पहले आप मारने से पहले कुछ बारीकियां ध्यान समझ लीजिएगा कि आपको मारना है कि नहीं मारना है। पहले आप इसको बैठाइए, अगर मुझे पंच करना है पहले उसको सही तरीके से चलेंगे ना। समझो मैं यहां से जंप करने वाला हूं, अगर जंप मैं करूंगा तो मुझे जंप करने का तरीका मुझे पता होना चाहिए, नहीं तो मैं अगर यहां से ऐसे करके ऐसे जंप किया, ये जो जंप हुआ ना इसमें क्या होगा, हिल का आपको हिल के तरफ से आपको चोट लगेगा और आपके पूरे यहां तक आपको चोट आएगा, तो टो के ऊपर में आपको जंप करना है। वही तरीका इसमें आता है कि जब आप मारने के लिए जाते हैं तो आपको सही तरीके से मारना है। कहां मारना है बहुत बड़ा मायने रखता है। आपको यहां से नीचे बाद में, यहां से ऊपर पहले मारना है। अब आता है मन में सवाल आएगा आपका कि हम इसमें मारे या बालू जिसमें भरा होता है उसमें मारे। तो पहले जब आप न्यू हैं, आपने अभी तक कभी भी पंचिंग बैग में पंच नहीं किया है, पुशअप्स नहीं किया है, बढ़िया से अच्छा हाथ स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो आपको मैं, ये मेरा राय है, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से साइंस के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन ये मेरा राय है, मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है फील किया है उसके बारे में मैं बोलूंगा। पहले आप जब भी अटैक करें सॉफ्ट बैग में अटैक करें, हार्ड वाला में ना जाएं। पहले आपको ऐसा बैग लेना है जिसको मारने से आपको चोट ना लगे। स्टार्टिंग में पहले आपका पंच किक उस पर बैठ जाना चाहिए, फिर आप आस्ते 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 पहले इसको हाई ऊपर वाला कीजिए, फिर नीचे आइएगा, उसके बाद हैवी बैग में जाइएगा। पहले एकदम छोटा बैग हो, हल्का हो, जिसमें आपको मारने से चोट ना लगे। जब आपका सब कुछ ठीक हो जाए फिर आप हैवी बैग में जाइएगा, पहले हैवी बैग में मत जाइएगा। बैग एक इधर भी है, एक और है जिसमें बालू भरा हुआ है, आपको पिछले वाला वीडियो में मैंने दिखाया था, तो आप उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बालू वाला में थोड़ा सा लेट से जाना है, पहले आपको सॉफ्ट वाला बैग में जाना है। लेकिन इसको आसान मत समझिएगा, इसमें भी बड़े बड़े महारथी जो आते हैं, देखता हूं मैं, मारते हैं, वो लोग का हाथ छिल जाते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर वो ठीक होगा। आप जब पंचिंग बैग में अटैक करेंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि हाथ नहीं छिल सकता, हाथ भी छिल सकता है, चोट भी लग सकता है, कहीं ज्वाइंट में भी चोट लग सकता है। ऐसा मैं नहीं बोलता कि चोट नहीं लगेगा, लेकिन सावधानी बरतना तो अपना फर्ज बनता है ना। अब बाइक से हम गिरेंगे नहीं, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन बाइक से गिर गए तब क्या होगा, उसके लिए हेलमेट पहन लेते हैं पहले से। क्या जरूरत है बाइक से गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, तो हेलमेट पहनना जरूरी है। वैसे ही सेफ्टी पहले है, उसके बाद कुछ करेंगे। बहुत सारे टाइम में आपने देखा होगा कोई भी आता है पंचिंग बैग में मारने लगा, कुछ भी करने लगे, तो वो चीज करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि जब आप पंचिंग बैग में अटैक कर रहे हैं, जैसे मैं ये यहां पर अटैक कर रहा हूं, ये जब मैं मार रहा हूं तो कभी मारते वक्त
ऐसे ये हाथ का देखिए ये रिस्ट ऐसे ना हो जाए, और आपका जो ये पंच है वो खुला हुआ ना रहे ऐसे टाइप का कि पंच मारा और खुल गया, ये चीज तो एकदम नहीं होना चाहिए। पंच मारा और ऐसे हो गया ये ध्यान में रखना है, तो उसके लिए आपको सॉफ्ट सॉफ्ट मारते 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 उसको बैठाना है, ठीक है। और जब आप मार रहे हैं तो ऐसे करके स्लिप ना कर जाए हाथ, उससे भी आपका हाथ छिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। जब आपका हाथ ज्यादा इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे जाएगा तो आपको छिलेगा, ऊपर चला गया तो रिस्ट में चोट लग जाएगा, नीचे चला गया तो रिस्ट में चोट लग जाएगा, ये सब चीजें आपको होती रहेगी। जब आता है आपका कि जब आप किक मारते हैं, अब किक मारते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे करके किक करते हैं, अगर ये चीज अगर आप करते हैं तो आपको जॉइंट्स में चोट लग सकता है। तो पहले आप जिस तरह से स्टार्टिंग में बेसिक किक करना सीखे थे वैसे ही स्टार्टिंग में इस पर पहले पांव को ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करना है, फिर किक मारना है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा। किक कहां से मारना है वो मायने रखता है, तो मैं आगे वीडियो पंचिंग बैग के ऊपर में बनाते रहूंगा तो आपको मैं बताते रहूंगा। लेकिन आप ये मत कहिएगा कि आपने छोटा वीडियो बना दिया, जब मैं बड़ा बनाता हूं तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, छोटा बनाता हूं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए करता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो वो चीज आपको मैं तोड़ तोड़ कर अलग अलग पंच का अलग, किक का अलग, एल्बो का अलग, मैं कैसे और कहां से मारना है वो मैं सारी बातें बता दूंगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जब किक करेंगे तो ज्वाइंट में चोट ना लग जाए वैसा ध्यान रखना है, हिप में चोट ना लग जाए, मतलब बिना वार्म अप किए हुए, मतलब बिना वार्म अप किए हुए अगर आप अटैक करते हैं अगर पंचिंग बैग में, तो आपको ज्वाइंट में चोट लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप ये चीज ध्यान में रखें और कोशिश करें कि वार्म अप करके फिर आप इस पंचिंग बैग में, वो भी पहले सॉफ्ट, अगर आप बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी हो गए हैं तो भी आपको पहले सॉफ्ट अटैक करना है, बॉडी जब वार्म हो जाए पंचिंग बैग में फिर आप थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते करके स्पीड बढ़ाएं, फिर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्टिंग जब आप पंचिंग बैग स्टार्ट किए हैं, समझिए इसमें मारना स्टार्ट किए हैं, तो क्या हो रहा है पंचिंग बैग में, आप ऐसे करके धक्का मार दिए, ऐसे मार दिए और मारने के बाद फिर ऐसे करके अटैक किए, तो इससे क्या होगा, अगर ये आप रेगुलर का नहीं है तो ये जब मारे और इसमें आपने पंच मारा तो आपको रिस्ट में चोट लग सकता है, शोल्डर में, शोल्डर के ज्वाइंट में चोट लग सकता है। मैं जब छोटा था तो मुझे चोट लगा था, बड़ा दिन तक मुझे परेशान किया था, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि आप पंचिंग बैग को हिलाकर मारें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपको पंचिंग बैग को, कोई ऐसा बंदा हो जो आपके पार्टनर, जो आपका है पार्टनर, वो पंचिंग बैग को स्थिर करके रखे, उसको हिलाए डुलाए ना, और फिर आप पहले उस पर अपना पंच या फिर केक उसको बैठा लें, फिर जाकर आप दूसरे चीज में अटैक में जाएं। नहीं तो आपको ज्वाइंट में, ये सब जगह पर, आपके हाथ में, रिस्ट में, सब जगह चोट लग सकता है, और वो सब चोट बड़ा दिन तक आपको परेशान करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।